के मौके पर भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में काइट फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस आयोजन में सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग, सांसद प्रज्ञा ठाकुर, विधायक भगवान दास सबनानी सहित भोपाल कलेक्टर और नगर निगम कमिश्नर भी शामिल हुए। इस अद्वितीय आयोजन में 5 फुट से 25 फिट तक की पतंग उड़ाया गया, साथ में मलखम का आयोजन किया गया। वहीं सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने भी इस मौके पर पतंगबाजी का आनंद लिया। इस महोत्सव में यदि यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं तो हम सबको इस बात का संकल्प लेना होगा कि हम अपनी संस्कृति को सहेज कर रखेंगे, हम अपने आगे आने वाली पीढ़ी को इस संस्कृति से जोड़ कर रखेंगे। इकबाल कह के गए थे, वतन की फिक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है, वतन की फिक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्ता भी ना रहेगी दास्तानों में। ये इकबाल कह के गए थे कि यदि हम अपनी संस्कृति को भूल जाएंगे, यदि हम अपनी विरासत को भूल जाएंगे, यदि हम अपने तीज और त्योहार को भूल जाएंगे तो आगे आने वाला भविष्य हमारे लिए बहुत सुखद नहीं रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार का उद्देश्य इस तरह के महोत्सव मनाने के पीछे का यही है कि हम हमारे हर तीज और त्योहार को बहुत उल्लास के साथ मनाएं। सरकार का काम निश्चित रूप से सड़क पुलिया विकास के काम करना है, पर सरकार का काम हमारी संस्कृति को सहेज कर रख के आगे आने वाली पीढ़ी से उसको अवगत कराना भी है, और उसी काम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगी है। आइए हम सब आज मकर संक्रांति के अवसर पर इसी बात का संकल्प लें कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपने जीवन को जीते हुए अपने विकास, समाज के विकास, राष्ट्र के विकास के लिए तो कुछ ना कुछ करेंगे, पर उसके साथ साथ हमारी संस्कृति को भी सहेज कर रखने का हम काम